अबीरा तुम्हारे मुंह पे ये पट्टी अभी रहेगी, मैं ये पट्टी नहीं हटाऊंगा। तुम्हारी बोलती बंद करने का यही एक इलाज है। अबीरा अब तो तुम खामोशी रहोगे। फिर शुरू हुई अबीरा और अरमान में नोकझोंक। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए दिन कोई ना कोई ड्रामे होते ही रहते हैं और आज तो यहाँ हो रहे हैं ड्रामे अनलिमिटेड। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अबीरा और अरमान के पास, जहाँ आज अरमान ने अबीरा के मुंह पर पट्टी बांध दी है ताकि अबीरा कुछ बोल ना सके और रिश्ते खराब ना हो। ऐसे में अबीरा काफी गुस्से में है। एक्चुअली वो क्यूट मोमेंट नहीं है, मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न है मेरी फैमिली के लिए कि अबीरा तू चुप रहे, तू कुछ भी बोल देती है मेरी फैमिली फिर तुझे डांटती है तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है तू मेरी फैमिली को बोलती है तो भी मुझे बुरा लगता है, बिकॉज मैं सबको चीज़ों को एक बैलेंस में लेके चल रहा हूँ कि तेरी माँ से मैंने वादा कर रखा है कि तेरा मैं ख्याल रखूँगा, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ मेरी फैमिली है जिसके बारे में मैं सुन नहीं सकता हूँ, मेरा भाई है, मेरे बाकी भाई बहन है, मेरी दादी है, मेरी माँ है, सबके मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और तेरे एक वर्ड बोल देने की वजह से, कुछ वर्ड्स बोल देने की वजह से मेरी फैमिली हर्ट हो रही है, तो प्लीज़ उसकी वजह से मैं उसको रूम में जाता हूँ, मैं उसको डांटता हूँ कि मेरी फैमिली से बात मत कर, तो क्यों नहीं करती है, लेकिन वो अबीरा है, अबीरा को तो बोलना है, उसको तो आदत है, वो चुप रहेगी नहीं, तो बस मैं उसके मुंह पे टेप लगा के उसको रूम में बिठा के आ जाता हूँ कि अगर तू यहाँ से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो तब से लेके अब तक वो टेप में ही बैठी है, मैं उसके सामने जाता हूँ कि हाँ मेरे अभी तू टेप उतार बोल कुछ, वो कहती नहीं टेप तुमने लगाई थी, वो इशारों में ही बात कर रही है और मैं इरीटेट हो रहा हूँ, तो मेरे टेप उतारने के बाद भी वो नहीं बोल रही है, एंड शी इज लाइक कि तुम ही ने टेप लगाई थी ना, अब मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कब बोलूँगी। यहाँ एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया, क्योंकि घर में पहुंच गई है पुलिस अरमान को गिरफ्तार करने के लिए। ऐसे में सभी घर वाले काफी परेशान हो गए हैं। देखे तो कैसे अरमान को हथकड़ी लगाकर पुलिस वाले ले जा रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे में खुशी वाला ट्विस्ट तो तब आया जब ये पुलिस वाले डांस करने लगे। भाई ये पुलिस किसी और ने नहीं बल्कि दादी ने बुलाई है और ये है अरमान के लिए एक प्रैंक, क्योंकि घर में होने वाली है न्यू ईयर पार्टी जिसके लिए सभी काफी एक्साइटेड है। को शूट करते वक्त देखिए कैसे बिहाइंड द सीन मस्ती चल रही है, कोई कर रहा है मेकअप तो कोई डांस तो कोई एकदम फन में है। भाई यही तो है खुशी के पल जो कैमरे के पीछे देखने को मिलते हैं। खैर बिहाइंड द सीन खुशियों के साथ साथ ऑन स्क्रीन भी खुशियां आ गई है, क्योंकि हो गया है भाइयों का मिलन। जी हाँ, एक दूसरे के बीच के तनाव को भुलाकर अरमान और रोहित एक दूसरे के गले लग गए और मिट गए सारे गिले शिकवे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा भाई, मुझे पता ही नहीं है कि रोहित को परेशानी क्या है, वो परेशान क्यों है, क्यों वो ऐसे, उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है, क्या वो अपने अंदर घुट के बैठा हुआ है कि हाँ यार उसको घुटन किस बात की हो रही है, क्या वो नहीं बता पा रहा है, ऐसी कौन सी बात हो गई, तो मैं वो बात जानना चाहता हूँ। इस वजह से मुझे वो, मेरे लिए ये नहीं है कि मेरे भाई का हाथ मेरे मुंह पे, मैं इतना वो उस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि मेरे भाई को प्रॉब्लम क्या हुई है, वो घुट क्यों रहा है, बचपन से लेके आज तक
हर चीज़ का सॉल्यूशन उसने मुझसे मांगा है, हर चीज़ में मदद मैंने की है। तो अब जब वो बड़ा हो गया है, तो उसकी शादी हो गई है, तो अब अगर उसको कोई बड़ा हो गया प्रॉब्लम बने, वो मुझे क्यों नहीं बता पा रहा है और वो क्यों मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो मैं बहुत एक पैनिक स्टेट में हूँ, एक गिल्ट में हूँ कि वो मुझसे गुस्सा क्यों है। अब मेरे अंदर लाखों चीज़ें चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं कि यार बात क्या होगी, मुझे बता तो सही, मैं ठीक करूँ उसकी कोशिश करूँ कुछ। तो मेरा ये मेरी तरफ से ये चल रहा है। तो भाई फिलहाल तो ऑल इज वेल है, लेकिन अब देखना होगा कि इस न्यू ईयर पार्टी में कौन से ट्विस्ट आते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आप सबको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का चश्मा। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।